मारूफ टिकटॉकर और फिल्म स्टार जन्नत मिर्जा ने मसीही बरादरी से माफी मांग ली। 28 मई को जन्नत मिर्जा के खिलाफ मसीही बरादरी की तरफ से FIA साइबर क्राइम में दरख्वास्त दी गई थी, जिसमें लिखा गया था कि गुज़िश्ता दिनों जन्नत मिर्जा ने एक नामालूम लड़के के साथ वीडियो बनाई जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इस वीडियो में सलीब के तकद्दस को पामाल किया गया है, जिसके बायस मसीही बरादरी की दिल आजारी हुई है, लिहाजा टिकटॉकर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। ज़राए के मुताबिक जब FIA ने जन्नत मिर्जा से राब्ता किया और वजाहत तलब की तो उन्होंने फौरन मसीही बरादरी से माफी मांगने का फैसला किया और आज उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने मसीही बरादरी से माफी मांग ली है। उनका कहना था कि मैं तमाम मसीही बरादरी से माफी मांगती हूँ, मैंने जानबूझकर क्रॉस नहीं पहना था, यूं ही मुझे इसका इल्म हुआ है मैंने अपनी तमाम वीडियोज डिलीट कर दी है। उनका यह भी कहना था कि गलती मानने से इंसान छोटा नहीं हो जाता। मिर्जा ने मजीद क्या कहा, उनकी जबानी सुनिए। एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी ठीक हूँ, आई होप आप सबकी गर्मी अच्छी गुजर रही होंगी। अच्छा, ये वीडियो स्पेशली मेरे क्रिश्चियन फैंस और फ्रेंड्स के लिए है। कुछ दिन पहले मुझे एक PR पैकेज आया था जिसमें एक चेन थी। PR पैकेज होता क्या है कि आपको ऑनलाइन पेजेस अपना स्टफ भेजते हैं कि आप उसको पहन के प्रमोट कर दो, तो वो चेन मैंने वैसे ही पहन ली वीडियोस बनाते हुए। और जब मैंने वीडियोस अपलोड की तो मुझे कमेंट सेक्शन से पता चला कि उसमें एक क्रॉस का साइन है जो कि क्रिश्चियंस का होता है और साथ बटरफ्लाइज थी। तो मैंने फौरन से सारी वीडियोस डिलीट की और मैंने इंस्टाग्राम पे सबसे माफी मांगी कि मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मेरी कभी भी इंटेंशन ये नहीं रही कि मैं किसी भी रिलीजन या किसी भी इंसान को हर्ट करूं, और मैं अपनी गलती मानती हूं, मैं एक्सेप्ट करती हूं और मैं आप सबसे माफी मांगती हूं। और मेरा ये मानना है कि माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, मेरी गलती है, मैं माफी मांगती हूं और आई होप आप सब मुझे माफ कर देंगे। मेरी वजह से अगर किसी की दिल आजारी हुई हो तो प्लीज अपने दिल में कोई ऐसी बात ना रखिएगा, मेरी कभी भी ये इंटेंशन नहीं थी। और इंशाल्लाह आइंदा से मैं थोड़ी अलर्ट रहूंगी कैसा।